जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे सच्चे पातशाह। मैं पूजा जैन आज गुरु जी की अनंतम कृपा से दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा का पृष्ठ नंबर 40, 41 और 42 का पठन करने जा रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ करिएगा। पृष्ठ 40, सत्संग सत्य का समावेश। सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वह रोमांचक यथार्थता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न रंग अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपना प्रवचन सब श्रोताओं के सन्मुख रखता है या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग में सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा और निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जन समूह के लिए हैं। सत्संग से जैसा हमने गुरुजी से सीखा है पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यथित के जीवन के नए मोड़ के साथ आशा की जोत जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरु जी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सन्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्य का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड़क से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य श्रद्धा भक्ति और आस्था का पुनः जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरुजी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अनेक नामों से भी पुकारा है, सब उतने ही प्रिय और प्रेममय हैं। यह सत्संग आपको जो संभावत अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य को भव सागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए, प्रणव सदा आपके साथ हैं। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार क्या है? यह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भगत। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाले अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतया पराजित विच्छल और आतंकित किया, उनको आहत निसहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विक्षिप्त कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृतांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वह ना केवल ये आभास देते हैं कि गुरु जी ने अपने लौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन वचन और कर्म वाणी कर्मणा से पालन करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अग्नि
पत्तियां हैं। प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण हर सत्संग में गुरुजी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिला कर मन में अति सुर में मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्य अन्यत्र कहीं मिल सकती है? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।